हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे महिंद्रा चार्जर, ये इसका मोनोग्राम लगा है, इसको रिपेयर करके दिखाएंगे, इसको चेक भी करके दिखाएंगे किस तरीके से चेक होता है, रिपेयर होता है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको इसकी पीसीबी दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके की इसकी पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसको बोलते हैं। ये पूरा का पूरा कार्ड है इसका, जिसमें एक 12 वोल्ट का फ़ैन लगा है, 5 वोल्ट की एलईडी लगी है जो ब्लिंक करती है। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। साइड में एक 12 वोल्ट और 5 वोल्ट का एक कार्ड लगा है, साइड में आप देख सकते हो। सामने फ्रंट पे बहुत ही शानदार क्वालिटी का चार्जर है ये, जो कि 56 वोल्ट आउटपुट 35 एम्पियर में बना है। यहाँ पे इसके मॉसफेट लगे हैं और मॉसफेट इसके शॉर्ट हो चुके हैं। मैंने ऑलरेडी मॉसफेट इसके चेक कर लिए हैं, एक बार आपको चेक करा के दिखाता हूँ मॉसफेट किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मल्टीमीटर को बीप पे लगाना है और वन बाय वन ये दोनों पिनों पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। सेकेंडली मॉसफेट ये मॉसफेट भी हमारा शॉर्टिंग दिखा रहा है, इसका मतलब ये है हमारे मॉसफेट शॉर्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले इन मॉसफेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे लगी है एक एल्युमिनियम की हीट सिंक और उसमें लगे हैं दोनों मॉसफेट, इसके सामने लग रही है एक कॉइल। तो सबसे पहले हमें इस कॉइल को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद मॉसफेट में जो पेच लगे हैं वो ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर लगे हैं इसके जम्पर, और जम्पर को हम ओपन करेंगे, इस कॉइल को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले ये कॉइल हमारी बाहर आ चुकी है, इसके बाद मॉसफेट के पेच ओपन करेंगे। मॉसफेट हमारे ओपन हो चुके हैं, ये सामने से आप देख सकते हैं दो मॉसफेट लगे हैं यहाँ पे। मॉसफेट निकालने से पहले अगर आपको हीट सिंक नहीं निकालनी है तो मॉसफेट को थोड़ा सा आपको फोल्ड करना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरीके से बाहर आ जाएं। जिस तरीके से मैं इनको फोल्ड कर रहा हूँ इसी तरीके से आप भी इनको फोल्ड करके बाहर निकाल सकते हैं। ये पहला मॉसफेट हमारा ओपन हो चुका है, दूसरा इसको भी रिसोल्व कर लेते हैं। ये दूसरा भी हमारा ओपन हो चुका है। अब इसको मल्टीमीटर से मैं एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसकी जो बीच वाली लेग है वो पूरे के पूरे इसके ऊपर के भाग से कनेक्ट है, ये आप देख सकते हो। ये मॉसफेट शॉर्ट है, हमारा मल्टीमीटर इसको बता रहा है कि मॉसफेट हमारे दोनों के दोनों शॉर्ट निकले हैं। दो मॉसफेट ऑलरेडी मेरे पास रखे थे पहले से ही, उनकी कंटिन्यूटी भी मैं आपको चेक करा देता हूँ कितनी कंटिन्यूटी आती है। तो इसमें लगभग 300 के आसपास कंटिन्यूटी आती है, और जो मॉसफेट मैंने निकाले हैं ये अभी भी शॉर्ट बता रहा है। तो इनको हम साइड में कर देते हैं और ये वाले मॉसफेट हम इसके अंदर लगाएंगे। मॉसफेट लगाने से पहले इसके जो प्रिंट है, जो होल हैं इसके, उसको ओपन कर लेते हैं ताकि मॉसफेट लगाने में आसानी हो जाए, क्योंकि एक तरीके से ये पीसीबी 3 प्रिंटेड है। ये होल हमारे ओपन हो चुके हैं, इसमें हम मॉसफेट लगा के देखेंगे। अच्छी तरीके से हमारे होल ओपन हो गए हैं, ये दोनों प्रॉपर्ली ओपन हो चुके हैं।
अब इसको हम इनसाइड से लगाना शुरू करेंगे। मॉस्फेट लगाने के बाद यहीं पे हम इन दोनों के स्क्रू लगा लेंगे ताकि मॉस्फेट अपनी जगह पे बैठ जाए, हमको बाद में एडजस्टिंग ना करना पड़े। तो मॉस्फेट हमारे दोनों प्रॉपर्ली टाइट हो चुके हैं। अब इसको हम पिनों को रिसोल्ड कर देते हैं। ये मॉस्फेट की पिन भी हमारी रिसोल्ड हो चुकी है। अब इसके बाद एक बार चेक करके दिखाता हूँ आपको, शॉर्टिंग हटी है, आप देख सकते हो वैल्यू इसके अंदर बन गई है। इसका मतलब ये था कि इसके सिर्फ मॉस्फेट शॉर्ट हुए थे। कंटिन्यूटी हमारी प्रॉपर्ली आ चुकी है। अब जो हमने इसकी कॉइल ओपन की थी उसके भी होल ओपन कर लेते हैं। इसको एक बार अच्छी तरीके से देखते हैं कोई और सामान इसका ख़राब हुआ है क्या। तो सामने देखने पे पता लगा है कि इसका एक डायोड भी इसका डैमेज हो रहा है, इसको भी हम चेंज कर देंगे। ये हमारा ओपन हो चुका है, ये डायोड भी पूरा का पूरा डैमेज निकला है, इसको भी हम चेंज कर देंगे। इसके प्रिंट को भी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक बार चेक करेंगे, इसके होल ओपन हो चुके हैं। अब इसको इनसाइड से हम लगा देंगे और इसकी पिन्स को रिसोल्ड कर देंगे। ये हमारा रिसोल्ड हो चुका है। अब इसकी कॉइल भी हम इसके अंदर ही वापस लगा देते हैं और इसको इसकी पिन को भी रिसोल्ड कर देते हैं। एक कॉइल भी हमारी प्रॉपर्ली लग चुकी है चेक करने पे। इसको मल्टीमीटर से एक बार चेक करेंगे कहीं पर शॉर्टिंग तो नहीं रही है। ये डायोड जो हमने लगाया है, इस डायोड ने भी वैल्यू अपनी बना दी है। इस चार्जर को मैंने नॉर्मल बैटरी से कनेक्ट किया तो ये काम नहीं कर रहा है, ऑन तो हो चुका है। फिर जब मैंने इस पर लिथियम पे लगाया तो लिथियम पे प्रॉपर्ली काम करना इसने शुरू कर दिया था। इसमें आप देख सकते हो मैंने 54 वोल्ट के आसपास की बैटरी लगाई है और इसमें LED भी ब्लिंक कर रही है, लेकिन इसकी ब्लिंकिंग जो है रेड और ग्रीन कर रही है। जब ये प्रॉपर्ली काम करता है तो इसके अंदर येलो और ग्रीन ब्लिंक करती है। इसका फ़ैन भी ऑन हो चुका है। फ़ैन ऑन होने के बावजूद भी ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम लिथियम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं ये ओरिजिनल तरीके से काम करता है या कोई मिस्टेक करता है। नोटिफिकेशन के लिए शो कर रहा है कि मैं ऑन हो चुका हूँ, लेकिन ये आउटपुट वैल्यू नहीं निकाल रहा है। अब इसको मैं आयरन बैटरी से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि जब ये अपनी स्पीड में आता है तो अपनी फ़ैन की आवाज़ चेंज कर लेता है। ब्लिंकिंग इसकी चेंज हो चुकी है। अब इसमें जो ब्लिंक चल रही है वो ग्रीन और येलो चल रही है और फ़ैन की स्पीड आप देख सकते हो कितनी तेज़ हो गई है। मुझे भी प्रॉपर्ली काम करता है। इसकी फ़ैन की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करता है इसका फ़ैन। आप देख सकते हो मैंने ई रिक्शा में इसको कनेक्ट कर दिया है, महिंद्रा की ई रिक्शा में, और ये बिल्कुल प्रॉपर्ली काम कर रहा है। आपको जूम करके दिखाता हूँ। कार्ड में LED लगी है जो कि ब्लिंक करती है। आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखो ग्रीन और येलो लाइट इसकी जल रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।